डीएसपी अनोज कुमार तथा राकेश गुप्ता। समाहरणालय परिषद में एलिमिनेशन को लेकर पूरी व्यवस्था को तैनात किए हुए हैं। आने जाने वाले हर व्यक्ति को चेकिंग किया जाता है। आपको बता दें कि आज से विधानसभा चुनाव का नामकरण किया जा रहा है, इसीलिए प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। किसी को भी बिना चेकिंग के जाने नहीं दिया जा रहा है। काम करने वाले हैं तो अधिकारी भी तो ही में लाव है, सभी को जाने नहीं हटाइए, अपने जगह में हटाइए जो है कि इस कार्य के लिए यहाँ पर किया गया है, परमिट से किया गया है। सर मीडिया को परमिशन है या नहीं? मीडिया क्यों नहीं जाएगी? मीडिया जाते ही अंदर में तो रिटर्निंग अफसर ने बताया अंदर जाना है कि नहीं जाना है। डीएमसीएच जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे लगा है गंदगी का अंबार और गंदगी के कारण निकल रही है काफी बदबू। महामारी और बीमारी फैलने की शंका व्यक्त कर रहे हैं मरीज के परिवार के लोग। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने शिकायत किया कि नगर निगम ठीक रूप से काम नहीं कर रही है, ना तो कचरे का उठाव और न ही ब्लीचिंग का छिड़काव हो रहा है। स्थानीय दुर्गा आर्म्स के पास मुख्य सड़क के किनारे गंदगी एवं कचरा का अंबार आए दिन लगा रहता है, मानो कचरा का डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया हो। सड़क के किनारे लगे कचरे के गंदगी के अंबार के कारण डीएमसी से आने जाने वाले मरीज एवं मरीज के परिवार के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारण गंदगी के सामने से गुजरना एवं गंदगी से इतनी अधिक बदबू निकलती है, जिसके कारण मरीज एवं मरीज के परिवार के लोग महामारी और बीमार फैलने की शंका व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसी गंदगी से स्थिति में दरभंगा नगर निगम ठीक रूप से काम नहीं कर पा रही है और ना तो ब्लीचिंग का छिड़काव कर रही है, जिसके कारण कचरे के अंदर से काफी बदबू निकल रही है। काफी गंदे जानवरों का इस कचरे के समक्ष बसेरा बना हुआ रहता है। इतना यहाँ पर कचरा बीमारी फैल जाए, कोई कचरा साफ करने वाला नहीं। कब से यहाँ पे गंदगी पसरा हुआ है? बहुत दिन से कचरा बहुत गंदगी फैला हुआ है, इससे ज्यादा बीमार हो सकता है। काफी बीमार आता है और बीमार हो जाए, जानवर भी है नागरण इसको साफ करे। कहाँ से आप लोग आए हैं? आया यहाँ कहाँ आए थे? दरभंगा एनएसयूआई जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में जिला कार्यालय में किया गया। बैठक में उपस्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा ने कहा कि विश्वविद्यालय लाखों छात्रों एवं छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। विगत महीने से एनएसयूआई स्नातक प्रथम खंड, द्वितीय खंड, पीजी द्वितीय सेमेस्टर, एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर सहित परीक्षाओं के संबंध में प्रमोट करने की मांग करती रही, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने अहंकार में चूर होकर तानाशाह फरमान जारी कर दिया, जिसका वो घोर निंदा करते हैं। वही जिला उपाध्यक्ष सौरभ कुमार ने कहा कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र छात्राओं के हित की बात न सोचकर कुछ चुनिंदा नेताओं की बात सुनते हैं, इसीलिए छात्र एवं छात्राओं को जीवन अंधकार करने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर दरभंगा एनएसयूआई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करेंगे। दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर नव चेतना सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति भगत सिंह चौक का एक शिष्टमंडल सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता से मुलाकात किया। उनके कार्यालय कक्ष पर इस मुलाकात में पूजा समिति के शिष्टमंडलों के सदस्यों ने दुर्गा पूजा 2020 के आयोजन को लेकर यहां पहुंचे, जहां पूजा समिति के इन सदस्यों को सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनजर जारी किया गया गाइडलाइन की प्रति इन्हें दी गई। एसडीओ से मुलाकात कर पूजा समिति के शिष्टमंडल बाहर निकलने के बाद मीडिया से लोग से जब वो मिले तो उन्होंने सारी बातें बताई एवं बिहार सरकार गृह विभाग विशेष शाखा जारी द्वारा जारी किया गया आदेश पत्र में कोविड-19 के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम में चुनाव आचार संहिता एवं भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्देश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घर पर ही किया जाएगा। मंदिर में आयोजन को लेकर शर्तें रहेंगी जो इस प्रकार है, जिस जगह मूर्तियां रखी गई है उस स्थल को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा। पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा। किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थलों पर ही मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को बचाने के लिए भाजपा से जदयू में शामिल हुए, लेकिन मेरे त्याग को भाजपा की तरह जदयू ने भी सम्मान नहीं दिया। यह सभी बातें हायाघाट के विधायक जदयू के पूर्व नेता अमरनाथ गामी ने कही। उन्होंने कहा कि हायाघाट की जनता का हमने सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हायाघाट सहित शहरी क्षेत्र में भी हमने सेवा की है। जनता की सहमति और हमारे कार्यकुशलता को देखकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने हायाघाट से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की एवं शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ने को अधिकृत कर दिया। जब गामी के हार जीत का सवाल नहीं है तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह संघर्ष यहाँ से लालटेन जलेगा। गामी ने कहा कि एक समय था कि जब भाजपा के सारे कार्यक्रम मेरे परिवार के माध्यम से संचालित होता था, लेकिन मेरे भाई स्वर्गीय सत्यनारायण गामी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है? या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है भेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 केजी के पैक में मौजूद है। इसके अलावा भेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं भेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें। इसके अलावा हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क